गुड डे टू ऑल ऑफ यू। वेलकम इन साइंस क्लास। टिक द करेक्ट आंसर। सही आंसरों को टिक लगाना है अपने। क्वेश्चन नंबर वन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीरीज कंटेन्स लिविंग थिंग्स। यहाँ पर आपको ए और बी इसमें कुछ थिंग्स के नेम लिखे हैं वस्तुओं के, और आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सी श्रेणी में लिविंग थिंग्स यानी कि सजीव वस्तुएं हैं। नंबर ए में है टेबल, चेयर, टॉय। नंबर बी में डॉग, ट्री और आंट। तो आप समझ गए होंगे टेबल, चेयर, टॉय तो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, जबकि डॉग, ट्री और आंट लिविंग थिंग्स हैं। तो आपने टिक कहाँ लगाएंगे? डॉग, ट्री और आंट, कुत्ता, पेड़ और चींटी, ये लिविंग हो गए। और टेबल, चेयर, टॉय यानी कि मेज, कुर्सी और खिलौना, वो हो गया नॉन लिविंग। नंबर टू, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीरीज कंटेन्स द थिंग दैट कैन मूव एंड ग्रो। यहाँ पर फिर से देखो, आपको ए और बी में दो ऑप्शन दिए। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कौन से ग्रुप में, कौन सी श्रेणी में ऐसी वस्तुएं हैं जो चल फिर सकती हैं और बड़ी हो सकती हैं। नंबर ए में है बेबी, प्लांट, एनिमल। नंबर बी में रूफ, वॉल, फ्लोर। तो आपने टिक लगाया है बेबी, प्लांट और एनिमल में, क्योंकि बच्चा, पौधे और जानवर ये चल फिर भी सकते हैं या फिर ग्रो कर सकते हैं, जबकि रूफ, छत, वॉल, दीवार और फ्लोर, फर्श, ये जो है चल फिर और ग्रो नहीं होते हैं। नंबर थर्ड, नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट, जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं वो नहीं कर सकती हैं क्या? ग्रो, वृद्धि। नंबर बी में प्ले, खेलना वगैरह, और नंबर सी में बोथ, यह दोनों। तो आपने बोथ में टिक किया है, क्योंकि नॉन लिविंग थिंग्स बढ़ती भी नहीं है और प्ले यानी कि खेल भी नहीं कर सकती हैं। क्वेश्चन नंबर फोर, थिंग्स दैट हैव लाइफ आर कॉल्ड, वो वस्तुएं जिनमें जीवन होता है क्या कहलाती हैं? ऑप्शन नंबर ए में है लिविंग और ऑप्शन नंबर बी है नॉन लिविंग। तो आप समझ गए होंगे ऐसी वस्तुएं जिनमें जीवन है वो कहलाती हैं लिविंग थिंग्स यानी कि सजीव वस्तुएं, और नॉन लिविंग क्या होता है? निर्जीव वस्तुएं। तो ये टिक द करेक्ट आंसर। इसमें केवल फोर क्वेश्चन, फर्स्ट वाले में फिर से समझ लें, उसमें आपको क्या करना है, उस सीरीज में जो ए और बी सीरीज हैं उसमें से आपको ये बताना है कि लिविंग थिंग्स कहाँ हैं। ओके, और जो क्वेश्चन नंबर टू है उसमें आपको ए और बी जो दो सीरीज दे रखी है उसमें से आपको ये बताना है कि कौन सी वो वस्तुएं हैं जो गति कर सकती हैं या फिर बढ़ सकती हैं। तीसरे में आपको बताना है कि नॉन लिविंग थिंग्स क्या नहीं कर सकती, और लास्ट वाले में आपको बताना है कि जिनमें प्राण होते हैं वो क्या कहलाती हैं। ओके,